नमस्कार दोस्तों। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा अतुल प्रसाद सर का ये रात में करीब करीब 10 बजे के करीब ये ट्वीट था। इसको मैंने अपने यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में भी शेयर कर दिया था और टेलीग्राम लिंक पे भी शेयर कर दिया था। तो यहाँ पे उन्होंने बीपीएससी का जो अब रिजल्ट जो आने का प्रोसेस है उससे पहले उन्होंने संडे को जो ये रात में ट्वीट किया है, तो इससे ये साफ दिखता है कि जो वो प्रोसेस जो था जो इन एलिजिबल कैंडिडेट को बाहर करने का, उसका प्रोसेस जरूर बीपीएससी के अंदर कंडक्ट हुआ है, जिस वजह से उन्होंने ये ट्वीट किया है। और ये कम सम संख्या में नहीं, ये भारी मात्रा में इस तरह के कैंडिडेट थे, तभी उन्होंने इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट होके जो इस तरह से हमने डीवी भी कराया और फिर भी इस तरह के इन एलिजिबल कैंडिडेट ने अपना डीवी करवाने का ये प्रोसेस जो है उसमें वो शामिल हुए, उस वजह से उन्होंने सबको एक तरह से कहिए आगाह कराने के लिए इस तरह का उन्होंने ट्वीट किया जो इट हैज बीन फाउंड इन द स्क्रूटनी ऑफ टीआरई डीवी दैट मेनी कैंडिडेट हैड सबमिटेड रॉन्ग सर्टिफिकेट एंड डिड नॉट प्रोड्यूस करेक्ट सर्टिफिकेट ड्यूरिंग डीवी। दिस शोज इट वॉज रेदर द डेलिब्रेट दिस मे और मे नॉट बी अ रीजन टू टीस्टॉल डीवी बट इट्स श्योर इट्स कंसिक्वेंसेस शैल बी सीवर। तो इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो भी जो पाया गया कि काफी सारे रॉन्ग सर्टिफिकेट और डीवी और जो भी कागजात हैं वो सबमिट किए गए हैं, तो ये या तो डीवी को रोकने का एक तरह का प्रोसेस हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, बट जो भी हो इसके परिणाम जो है वो काफी गंभीर होंगे। तो उन्होंने साफ साफ रूप से कह दिया है। तो ये जो इस तरह का इन एलिजिबल कैंडिडेट का समस्या जो है वो मुख्य रूप से मैं समझता हूँ कंप्यूटर साइंस में ही था ज्यादा से ज्यादातर, उसके बाद एसएसटी जो है वो 9th 10th का उसमें भी था, बट ये कंप्यूटर साइंस में भारी मात्रा में लोग थे। क्योंकि इस बार का अगर आप कंप्यूटर साइंस का स्टेट का पेपर देखो तो इसमें इन एलिजिबल कैंडिडेट जो हैं वो मैं समझता हूँ कि ना के बराबर हैं। इसी वजह से जो आज के डेट में जब 2023 में एग्जाम होता है 5G के दौर में, तो इस टाइम मात्र 10,000 लोग ही क्वालिफाइड करते हैं, बट जब वो 2019 में पेपर होता है तो उस टाइम 17,000 लोग क्वालिफाइड हो जाते हैं। तो इसमें आधे से अधिक भीड़, आधे के करीब ऐसी भीड़ है या आधे से अधिक ऐसी भीड़ है जो कि इस चीज़ को फुलफिल ही नहीं करते, बीपीएससी जो कि जो स्टेट 2019 का पेपर हुआ था उसकी अर्हता को वो पूरी ही नहीं करते, फिर भी वो पेपर में बैठ गए थे। और जब उनको सर्टिफिकेट मिला था तब तो कुछ जांच होना नहीं था, सीधे मिल गया था। तो इस वजह से कहे तो 17,000 में लगभग 9-10 हज़ार में कैंडिडेट अगर जेन्युइन होंगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। और मैं जब एग्जाम देने गया था और जब मैंने काफी सारे सेंटर से भी पता किया था अपने ग्रुप में और बहुत जगह से, तो मुझे यही पता चला था कि हर एग्जाम हॉल में, ज्यादातर एग्जाम हॉल में 2-4 बच्चे एबसेंट थे। तो इस तरह से अगर आप सारे का काउंटिंग करो तो ये लगभग बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हो जाते हैं जो एबसेंट वहाँ पे थे। बाकी मैं कुछ लोगों को देख रहा कमेंट में कह रहे हैं कि मेरे हॉल में तो फुल थे, मेरे हॉल में तो कोई एबसेंट नहीं था। आपके 2-4 हॉल में अगर बच्चे फुल थे या आपके आसपास के कुछ हॉल में अगर बच्चे फुल थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा बिहार में जितना सेंटर बनाया गया था उस सब में वहाँ पे बच्चे फुल ही थे। बाकी काफ़ी सारे लोग, जैसा कि मैं अगर बात करूँ तो जहाँ डीवी का सेंटर था वहाँ पे मैंने जहाँ तक पता किया जितने भी मेन मेन डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ पे मैंने जब जानकारी ली तो वहाँ पे 10 से 15% लोग एबसेंट थे, जितना लोगों का डीवी होना था। तो उसमें जो टोकन जो कटा था, टोकन की नंबरिंग जब पता की गई थी तो 10 से 15% लोग जो थे वहाँ पे एबसेंट थे। तो एबसेंट थे तो मैं समझता हूँ कि एक तो 10% 10 से 15% लोग वहाँ पे जब एग्जाम हॉल में एबसेंट थे, क्योंकि पेपर में भी डाटा आया था कि इतने में इतने लोग ही एबसेंट मतलब प्रेजेंट हुए हैं। उसके बाद डीवी में भी 10 से 15% लोग मतलब प्रेजेंट रहे, बाकी यहाँ पे डीवी में ये प्रोसेस से हटाया जा रहा है जो भी इन एलिजिबल है। तो कुल मिला के आपके पास ये 8 से 10 हज़ार के बीच ही कहीं ना कहीं इन एलिजिबल ये जो इस एग्जाम के लिए अर्हता रखते हैं उनकी भीड़ है, बाकी सारे के सारे इन एलिजिबल कैंडिडेट ही हैं। तो इसका वो सारा डाटा मैं समझता हूँ कि बीपीएससी जरूर इसको पब्लिक करेगी, जैसा कि पिछले एग्जाम में भी पिछले इस तरह के जो भी एग्जाम का नेचर रहा है वहाँ पे उन्होंने रिलीज किया है जो जो भी एलिजिबल हैं और जो भी इन एलिजिबल हैं उन सबका उन्होंने डाटा दिखाया है। बट इस बार क्या करती है, बाकी उनके परिणाम क्या भुगतने पड़ते हैं मैं समझता हूँ जो उनपे प्रशासनिक कार्रवाई के तौर पे 5 साल का बैन लगाया जा सकता है, बाकी हो सकता है बिहार के हर एग्जाम से भी बैन लगाया जा सकता है, होने को ये भी हो सकता है, बट देखते हैं आगे वैसे होता क्या है। लेकिन इससे ये साफ है जो इन एलिजिबल कैंडिडेट की जो भारी तादाद में भीड़ थी वो कहीं ना कहीं अब पूरे रूप से मुझे यहाँ पे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं समझता हूँ वो लोग ही बच पाएंगे या फिर वो लोग अभी भी थोड़ा बहुत रहने को रह सकते हैं जिनका मैं समझता हूँ कि उस टाइम में सर्टिफिकेट नहीं आया हो या फिर बाद में उन्होंने पीजी कर लिया हो, उस तरह के बच्चे अगर हो सकता है होने को तो हो भी सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर सही से इसको कंडक्ट किया होगा
तो निश्चित रूप से सारे के सारे इन एलिजिबल कैंडिडेट जितने भी वो सब बाहर हो चुके हैं। तो आप लोग के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, जिससे कि बहुत सारे लोग जो कि बॉर्डर पे हैं, जिनका 55, 50, 48 के करीब स्कोर आ रहा है, लगभग 48-50 के करीब स्कोर आ रहा है, या 40 से 50 के बीच में, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। तो यही मैं कहूंगा कि आप सबके लिए ये पॉजिटिव खबर है। तो जो भी कटअप का वो प्रिडिक्शन था वो वहीं रहेगा, वो वहां से वो मैं समझता हूँ कि मैंने जो आपको बताया था वो जो रेंज है वो आपको पिछले के वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, और वीडियो में भी जाइएगा तो आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे कल जो ये गया जिला का मैंने आपको जो वीडियो परसों डाला था, उसमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्यालय जिला पदाधिकारी गया वाला, उन्होंने फिर से एक संशोधन आदेश दिया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि कार्यालय ज्ञापन संख्या इतना द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा माध्यमिक उच्च माध्यमिक अध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यालय में रिक्ति संबंधित कार्य हेतु 8/10/2023 को कर्मियों को उपस्थित होकर कार्य निष्पादन हेतु आदेश में टंकन त्रुटिवश 10/10/10 को, ये 10/10/2023 को बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा परिणाम घोषित तिथि करने का निर्धारण किया जाना अंकित हो गया। यानी कि ये निर्धारण जो वर्ड है वो इनका कहने का मतलब है गलती से अंकित हो गया, टंकन मिस्टेक हो गया। वस्तुतः निकट भविष्य में परिणाम आने की संभावना के स्थान पे त्रुटिवश उक्त तिथि का अंकन हो गया। तो अतः कार्यालय ज्ञापन संख्या इतना 7/10/2023 में अंकित दिनांक 10/10/2023 को बीपीएससी का परिणाम घोषित होने की निर्धारित तिथि, यानी निर्धारित तिथि के स्थान पर संभावित तिथि को पढ़ा जाए। तो वैसे भी मैं समझता हूँ कि अगर इन्होंने इतना ये इस चीज को अगर उन्होंने ये निर्धारण को निर्धारित को संभावित डाला है, तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी जो बीएसएससी का जो एक सचिवालय सहायक का रिजल्ट आया था, उसका भी मामला कोर्ट में पड़ा हुआ था, और जैसे ही कोर्ट ने क्लियर किया उसी रात उसका रिजल्ट आ गया। अभी से मैं समझता हूँ 1 सप्ताह पहले की बात है, कोर्ट ने क्लियर किया और उसी रात उसका रिजल्ट भी आ जाता है, क्योंकि उसका रिजल्ट ऑलरेडी तैयार था। तो आज जैसे कि वैसे तो 1-5 का आज का आज वाला जो केस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है वो एसएलपी वाला, वो आज 1-5 का केस है मेन रूप से। लेकिन मैं समझता हूँ अगर उस वजह से भी विभाग रुका हुआ है तो आज कहीं ना कहीं उसका क्लियरेंस आ जाएगा। अगर नहीं भी आता है तो वो 9th-12th के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो ऐसा ही सोचेंगे जो हम 9th-12th का रिजल्ट जारी कर देते हैं, तो हो सकता है रिजल्ट आज रात से कल तक आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये बात है जो जब तक बीपीएससी, क्योंकि रिजल्ट बीपीएससी जारी करेगा, ये निर्धारित वर्ड लिखने का अधिकार अभी फिलहाल बीपीएससी के पास है। अगर वो ऐसा लिखती है तो वो चल जाएगा, लेकिन किसी डिस्ट्रिक्ट का अगर जिला पदाधिकारी डी ऑफिस से अगर वो आगे मैंने बीपीएससी से पहले अगर आप कहें जो वो इस वर्ड का यूज करती है तो वो सही नहीं समझा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने अपने निर्धारित वर्ड को संभावित में तब्दील कर दिया, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। रिजल्ट आपका 10 तारीख को मैं समझता हूँ 99% पॉसिबिलिटी है जो आ जाएगा। अगर 10 को नहीं भी अगर आता है बाई चांस, तो वो 11 तक तो वो जरूर आ जाना चाहिए। तो इसलिए आप लोग ये इन सब डिलेमा में मत रहे जो रिजल्ट अब फिर से टल गया या फिर से पता नहीं कब आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दुर्गा पूजा से पहले सारा प्रोसेस खत्म हो जाना है। शिक्षा विभाग काफी जोर शोर से हर डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है इस डीबी को कंडक्ट कराने के लिए। तो आप लोग पॉजिटिव वाइब्स के साथ रहें, अभी 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 ये वक्त नहीं है जो आप हर चीज में निगेटिव थॉट निकाले, ये हो गया तो वो हो गया तो, ऐसा कुछ अगर आप सोचते हैं फिर तो आप निगेटिव निकालने को बहुत कुछ निकाल सकते हैं, उसका कोई इलाज है नहीं। तो सब लोग पॉजिटिव सोचे, मैं समझता हूँ जो भी क्वालिफाइड मार्क्स से ऊपर हैं उन सबको इस बहाली में अपना उम्मीद देखना चाहिए, रखना चाहिए, क्योंकि उनका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी जो भी बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड या एस्टेट से रिलेटेड कोई भी जरूरी इन्फॉर्मेशन आता है तो आपको इस चैनल पे टाइम टू टाइम अपडेट मैं करता रहूंगा। अगर आप इस चैनल के टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम लिंक से जरूर जुड़े। वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।